नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव के बीच नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर अब जारी है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से उम्मीदवारी पेश की है, उसके बाद से लगातार जो अमेठी की मौजूदा सांसद हैं और उम्मीदवार हैं अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी, वो लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमलावर नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम अन्य नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, तो ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरअसल ये चुनौती दी थी कि किसी भी मंच पर पीएम मोदी आए, मेरे भाई दरअसल बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद अब सांसद स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को खुली चुनौती दी है और ये कहा है कि आप दोनों भाई बहन एक तरफ और हमारी तरफ से एक प्रवक्ता ही आप दोनों के लिए काफी है, आपके जवाब देने के लिए काफी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके की चुनौती जो है वो स्मृति ईरानी की ओर से प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी को दी गई है। उन्हें बीजेपी के साथ बहस करने के लिए समय, तारीख और मुद्दा चुनने की चुनौती भी स्मृति ईरानी ने दी और कहा कि दोनों भाई बहन एक तरफ और बीजेपी का एक प्रवक्ता एक तरफ। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को चुनौती देती हूं कि वो बीजेपी के साथ बहस करने के लिए समय, तारीख और मुद्दा चुन लें, दोनों भाई बहन एक तरफ और बीजेपी का एक प्रवक्ता एक तरफ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है। ये स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है। स्मृति ईरानी ने एनआई से बातचीत करते हुए किस तरीके से ये हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है और ये चुनौती प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को दी है, सुनिए। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए, दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ, दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा, किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं, दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ, पता चल जाएगा। तो स्मृति ईरानी अमेठी में जो लोकसभा सीट है, अलग अलग गांव जा रही हैं, विधानसभा जा रही हैं, जो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है वहां पर चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर हमलावर है। स्मृति ईरानी ने यहां तक कहा कि अब तक मैं कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी को हराना चाहिए, तुमसे पाकिस्तान नहीं संभलता, तुम अमेठी की चिंता करते हो। पाकिस्तान का एक नेता, अगर मेरी आवाज पहुंच जाए तो मैं कहना चाहती हूं कि ये वो अमेठी है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने AK-203 राइफल की फैक्ट्री बनाई है। उस राइफल का इस्तेमाल सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए किया जाता है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये भी साफ तौर पर स्मृति ईरानी ने सवाल जो है कांग्रेस पार्टी पर दागा है। राजा साहब ने आज अपने भाषण में कई चीजों का उल्लेख किया, लेकिन एक विशिष्ट बात है, अमेठी का यह पहला चुनाव है जिसमें पाकिस्तान को भी रुचि हो गई है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने, नेता ने कहा कि वो अमेठी में बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी जी ने अमेठी में AK-203 की राइफल फैक्ट्री बनाई है और अमेठी में जो बंदूक बनती है वही भारत की सीमा पर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को ढेर करती है। जब पाकिस्तान के नेता ने मुझे ललकारा, मैंने कहा लल्ला तू अपना देश संभाल, अमेठी हम संभाल लेंगे, हमारी चिंता न कर। लेकिन आपके ध्यान में लाना चाहती हूं
चुनाव चल रहा है हमारे देश में और राहुल जी को समर्थन मिल रहा है विदेश में, इसलिए आज आपसे कहने आई हूँ 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और पाकिस्तान के मंसूबों को हराओ। आज राम भक्त कितने हैं यहाँ पर? यही आप भाषण दिए थे? कितने राम भक्त है भैया? वापस हाथ उठाओ। अब ये बतलाइए, राम जी से पहले लंका कौन पहुंचा था और हनुमान जी ने लंका जाके क्या किया था? क्या किया था? सोने की लंका जला दी थी। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूँ कि लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ और 20 तारीख को कमल का बटन। तो लोकतंत्र के क्या बन जाओ? किसकी लंका में आग लगाओ और कौन सा बटन दबाओ? फिर से, लोकतंत्र के क्या बन जाओ? किसकी लंका में आग लगाओ और कौन सा बटन दबाओ? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान का इन चुनाव में खुला समर्थन मिल रहा है, उसको लेकर लगातार बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। और उसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने ये बड़ा हमला बोला, साथ ही ये भी कहा कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी जो है वो रायबरेली भाग गए हैं, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा, ये भी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से चुनाव जो चल है उसमें जाहिर तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को विदेश से समर्थन मिल रहा है, इस बात का जिक्र करना भी स्मृति ईरानी नहीं भूली है। अमेठी लोकसभा सीट जहां पर पांचवें चरण में यानी 20 फरवरी को वोटिंग होगी और इस तरीके से चुनाव प्रचार का दौर जारी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी एक बार अमेठी से चुनाव हार गए और उसके बाद वो अमेठी लड़ने नहीं आए, उसके बाद वो रायबरेली चले गए, जिसको लेकर खूब जो हमलावर हैं वो स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर नजर आ रही हैं और साफ तौर पर ये कह रही हैं कि जो 50 साल में नहीं किया कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी ने अपने 10 साल के जब वो वहां के सांसद थे तब नहीं किया, वो 5 साल में मैंने किया है, ये लगातार स्मृति ईरानी कह रही हैं। लेकिन इन सब के बीच देखना ये होगा कि स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को जो चुनौती दी है, ये कहा है कि आप चैनल चूज कर लीजिए, आप जगह चूज कर लीजिए, आप वक्त चूज कर लीजिए और दोनों बहन भाई एक साथ आ जाइए, हमारी पार्टी का एक ही प्रवक्ता, उन्होंने हालांकि नाम भी लिया सुधांशु त्रिवेदी जो है, एक ही प्रवक्ता काफी हैं, आप दोनों का जवाब देने के लिए, ये भी स्मृति ईरानी की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। और कहा कि उत्तर भारत के लोग जो हिंदी बोल रहे हैं वो हिंदी थोपते हैं। अब हम सब हिंदी भाषी हैं, हमने क्या अपनी भाषा कभी किसी पर थोपी है? नहीं थोपी। ये वो परिवार है जिसने वर्षों वर्ष अमेठी लोकसभा क्षेत्र से वोट लिया, एक बार हारे तो वायनाड गए और अमेठी की जनता को कोसने लगे। ये वो पार्टी है जो चुनाव में मैदान जंग में उतरने से इनकार करती है, फिर मुझको धमकी देती है कि हम पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं। हम कहे भैया पर्दे के पीछे से तो कायर लड़ते हैं, हिम्मत होती तो मैदान जंग में उतर जाते, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाता। ये ऐसे अधर्मी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया, यहाँ पर कई लोगों को राम मंदिर का अक्षत मिला होगा, प्रसाद मिला होगा, मिला कि नहीं मिला? मिला ना, किसी ने तो प्रसाद नहीं ठुकराया।
इनका अहंकार इतना कि प्रसाद भी ठुकराया, निमंत्रण भी ठुकराया। इनका अहंकार इतना कि राहुल जी ने अपने भाषण में ये भी कह दिया कि हिंदू समाज जिस शक्ति की आराधना करता है उस शक्ति को राहुल गांधी हराएंगे। हम सब दुर्गाष्टमी का पाठ कर चुके हैं और माँ दुर्गा का भव्य रूप देख चुके हैं। हमने माँ के चरणों में असुरों को देखा है। अरे तुम्हारी क्या औकात कि तुम्हारे हमारी मैया को तुम नाश करोगे। कांग्रेस पार्टी ने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट मिला तो वो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलटा देंगे। मैंने जैसे ही कांग्रेस पार्टी के इस वक्तव्य को सुना तो राहुल जी से कहा, राहुल जी मैं गौरीगंज में रहती हूँ, वहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है तो हनुमान मंदिर की ध्वजा को हाथ लगाकर दिखाओ, यहाँ ईंट से ईंट न बजा दी तो हम भी अमेठी वासी नहीं। अहंकार इतना कि राहुल जी के दोस्त दक्षिण भारत में सनातन को गाली बकते हैं, अधर्मी इतने के केरल में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से गौ हत्या कराते हैं, चौराहे पर मां का गला कटवाते हैं और फिर गौ हत्यारों के साथ केरल में यात्रा निकालते हैं। मैंने कहा, राहुल जी दम है तो गौ हत्यारे की पीठ पर हाथ धरकर अमेठी की धरा पर आकर दिखाओ, जनता ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। आज आपके मध्य में इन बच्चों के सामने जब इनका भविष्य देखती हूँ तो सोचती हूँ कि 15 साल राहुल गांधी क्षेत्र से लापता रहे, उन 15 सालों में कितने परिवारों के भविष्य को उन्होंने उजाड़ा, उन 15 सालों में कितने बच्चों के नौजवानों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। अरे 5 साल में हमने क्षेत्र में 1,14,000 मकान बनवाए गरीबों के लिए, 5 साल में 4 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनवाए, 3,50,000 गरीब परिवारों को नलके का कनेक्शन दिया, 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया। उनके पास 15 साल, मेरे पास 5 साल, वो 50 साल से राज कर रहे थे। मुझे 5 साल सेवा के दिए जिसमें 2 साल कोरोना के रहे। बतलाइए आप, कोरोना के वक्त क्या कांग्रेस का एक भी नेता जनता के मध्य में था? मौत मंडरा रही थी लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगा। मैं गांव गांव गई, जिसको जो मदद चाहिए थी मैंने दी। भाजपा ने मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, एक एक जरूरतमंद को अस्पताल पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग था। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है? 2 लगवाए कि 3 लगवाए? 2। अरे भैया, बाजार में 1 टीके की कीमत 600 रुपया, 2 लगाए हो तो 1200 रुपया, और घर में अगर 5 लोग हैं तो परिवार के लिए 6,000 रुपये की जरूरत पड़ती। अगर मोदी मुफ्त का टीका ना देते तो क्या गरीब की जान बचती? इसलिए आज जो लोग टीका लगाए हैं उनसे कहने आई हूँ कि 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाओ, कांग्रेस को हार का इंजेक्शन लगाओ और कमल का बटन दबाओ। यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें कोरोना से लेकर अब तक मुफ्त का राशन मिला है मोदी सरकार से? कितने हैं? राशन पा रहे हैं ना? अब कांग्रेस का यहाँ पर सांसद था, कांग्रेस ने
कभी किसी गरीब को हर महीने मुफ्त का राशन दिया? कभी नहीं दिया। इसलिए आज मोदी जी का संदेश लाई हूँ, 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल और मुफ्त का राशन मोदी से पाओ। यहाँ कितने किसान भाई हैं जो अपने खेत का 6,000 रुपया पाते हैं मोदी सरकार से? कितने लोग हैं? पाते हैं ना, जिनके नाम पे खेत दर्ज है वो पाते हैं 6,000 रुपया। साल का 6,000 रुपया जिनके नाम पे खेत दर्ज है वो पाते हैं, और 5 साल का 30,000 रुपया। नरेंद्र मोदी ने पूरे क्षेत्र में 4 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया है। आज उन्हीं किसान भाइयों से, परिवारों से कहने आई हूँ, 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और आने वाले 5 साल प्रतिवर्ष खेत के लिए अपने 6,000 रुपये बैंक के खाते में पाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, स्वास्थ्य वाला? कितनों को मिला है? मिला है ना। मोदी जी की सरकार में गरीब के लिए साल का 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज मुहैया कराते हैं मोदी जी, साल का 5 लाख। 5 साल का 25 लाख का मुफ्त का इलाज अगर घर में कोई बीमार पड़ गया। अरे मोदी जी तो 25 लाख की स्वास्थ्य की गारंटी देते हैं, राहुल जी तो आज तक 25 रुपये का किसी का इलाज मुफ्त में नहीं कराए। इसलिए आपसे कहने आई हूँ, 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और सभी गरीब परिवार आने वाले 5 साल कुल 25 लाख रुपए की मुफ्त की स्वास्थ्य की सुविधा मोदी सरकार से पाओ। आज ये कहने आई हूँ। चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अपनी हार मान ली है, सेनापति कांग्रेस का जा चुका है। और ये राम का ही प्रकोप है भैया, पाप का घड़ा भर गया था, पाप का घड़ा छलकने लगा था। जनता भी आतुरता से इंतजार कर रही थी कि आएंगे, और जैसे दीदी ने गांव-गांव में नाली बनवाकर नपवाई है, कांग्रेस वाले भी क्षेत्र में नापे जाएंगे। लेकिन आपकी आस अधूरी रह गई। राम का प्रकोप ऐसा, राम का ऐसा वातावरण राममय बना कि जो राम विरोधी थे उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया, अब रायबरेली को झांसा देने गए हैं। वैसे मैंने जीवन में पहली बार देखा कि वायनाड में जब राहुल जी ने पर्चा भरा तो कहा वायनाड ही उनका परिवार है, फिर रायबरेली गए कहा रायबरेली उनका परिवार है। मैंने कहा भैया लोग रंग बदलते हैं, राहुल जी परिवार बदलते हैं। और अगर क्षेत्र की जनता को परिवार माना था तो 15 साल क्यों क्षेत्र से लापता रहे? मैंने राजा साहब से कहा इससे ज्यादा दर्शन तो बरसात में मेंढक दे देते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के क्षेत्र की जनता को दर्शन नहीं हुए। क्षेत्र की जनता जानती है कि अगर मैं सिर्फ ग्राम पंचायत खेकरुआ को देखूं तो गंगा कुटी से गाजी राय तक डामर की सड़क बनाने का सौभाग्य भाजपा को प्राप्त हुआ है। वाटर प्यूरिफायर सोलर प्लांट वाला काम भी भारतीय जनता पार्टी के आधार पर हुआ है। और आज ये संकल्प भी हम लेते हैं कि खेकुआ से लेकर तिवारीपुर बड़ा तक की पूरी सड़क की व्यवस्था भी हम ही करवाएंगे। लेकिन ये बतलाइए, कम से कम मुझे तो पता है खेकुआ कहाँ है,
अगर कागज कलम राहुल जी को दे दिया जाए, प्रियंका जी को दे दिया जाए, तो रास्ता तो छोड़ो, कलम उठाकर खेकरुआ भी लिख पाएंगे। व्यक्ति तो छोड़ो, भाषण तो छोड़ो। मैंने राजा साहब से कहा, राजा साहब मैं तो बोल भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, राहुल जी को और जीजा जी को और प्रियंका जी को कहे कि कागज कलम उठाओ, मयंकेश्वर शरण सिंह लिखकर दिखाओ, तो क्या लिख पाएंगे? ये वो परिवार है जिसने जब दक्षिण भारत में अपनी राजनीति की तो दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ उकसाया,